जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज है 19 अगस्त 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। 18 अगस्त 2021 की मेरी परीक्षा हुई, जैसा सब्जेक्ट था मैंने बताया भी था, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम का। दोपहर के 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में यह पेपर कराए गए, 1.5 घंटे का टोटल पेपर था। इस बीच में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आज से भी जिसका एग्जाम है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी स्टूडेंट को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, चाहे वह पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियो आएंगी ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड, उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया बताया जाएगा। दूसरा बात कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, पक्का बता रहा हूँ, बेनिफिट होगा ऑनलाइन एग्जाम में। और दूसरा, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट चीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पढ़े नहीं, हालांकि चीटिंग करना सही बात तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट पढ़े नहीं तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ चीटिंग के टिप्स बता दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि बिल्कुल काम करती हैं, जो UFM है और वार्निंग है उसका कोई असर आप पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जाकर के फॉलो वगैरह कर लीजिए और टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस ऑनलाइन एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप यह बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया, मेरा पेपर कैसा गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। मेरा ही नहीं, मेरे दोस्त या कह लो कि जितने भी सर्कल में मेरे जानने, जितना मैं जानता हूँ, सभी का ऑनलाइन एग्जाम अच्छा गया है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, यह चीटिंग हुई या नहीं और कर सकते या नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, चीटिंग हुई है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लैपटॉप और मोबाइल वाला जो चक्कर था उसको ध्यान में रखोगे तो वह बहुत यूनिक ट्रिक है और काम भी करती है, उसमें आपको कोई वार्निंग का झंझट नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, कैसे करना होता है, यह सब इंस्टाग्राम वगैरह पे, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं बता सकते उतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा है कि ये बताइए कि सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आए थे मेरे पेपर में। हो सकता है किसी किसी पेपर में भाई, जो एग्जामिनर, जो जिसने क्वेश्चन पेपर को सेट किया, वह बिल्कुल ठोस मतलब क्वेश्चन बनाए, बुक से बनाए हुए, बहुत देखे कहीं से ना देखे, तो उसके इसमें बिल्कुल बुक से मिलेगा, कहीं और मतलब साइट वगैरह पे नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इतना ध्यान रहे। अगला यह कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसका नेट पे उसका आंसर वगैरह मिल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे केस में तो मिल रहे थे, ठीक है। मैंने देखा जितने भी क्वेश्चन थे लगभग, बाद में हमने उसकी मतलब टेस्टिंग वगैरह की तो देखा कि हाँ, सब क्वेश्चन मिले थे, और भी जो सर्कल में थे सबसे पता किया गया तो कह रहे थे हाँ, क्वेश्चन तो सब मिले थे, बाकी सर जो मेरे थे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम वाले सर जो पढ़ाते थे, धर्म सर, उनके द्वारा जो पढ़ाया गया तो उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल गए, तो उतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ऑनलाइन क्वेश्चन मिल रहे थे सर्च करने पर। दूसरा वह कि वार्निंग मिल रही है या नहीं। देखिए, वार्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तो कोई वार्निंग नहीं मिली, ना तो मुझे क्या करते हैं मॉक टेस्ट में कोई वार्निंग दी गई, ना तो ऑनलाइन एग्जाम में दी गई, क्योंकि हमने कोई दिक्कत ही नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वार्निंग देखिए जिसको मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा लगातार, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, बीटेक कर रहा था, थर्ड ईयर था, उसको सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम स्टार्ट होते ही 17 वार्निंग मिल गई, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर में उसने बंद करके रख दिया, फिर प्रॉक्टर ने कहा चलो एग्जाम दो, क्यों नहीं दे रहे, फिर उसने देना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वार्निंग उसे नहीं दी गई। तो इस बात का वार्निंग का ध्यान रहे। अब मेरे केस में क्या कल हुआ, मुझे तो वार्निंग नहीं मिली और मेरे सर्कल में जो थे उन्हें भी उतनी वार्निंग नहीं मिली, लेकिन हाँ, कुछ लोग को जिसका कि इंटरनेट इंटरप्ट हो जा रहा था या फिर कोई और दिक्कतें आ रही थी, उनको वहां से क्या हुआ कि भाई वार्निंग मिली है, 7-8 वार्निंग किसी को मिली, इस तरीके से वार्निंग मिली है। तो वार्निंग का आप लोग ध्यान रखेंगे, वार्निंग किस लिए नहीं मिले, आप जैसे चीटिंग उटिंग कर रहे हैं तो पता नहीं चलना चाहिए कि भाई आप चीटिंग कर रहे हैं, बात वत नहीं करनी है, बस यही सब बेसिक चीज़ें, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब चीटिंग उटिंग बेरो ऐसा करो कि कोई दिक्कत ना हो, वार्निंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और मुझे तो नहीं मिली, कुछ लोग को मिली थी। अब देखिए अगला बताता हूँ, मोबाइल से एग्जाम में होने वाली प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर देखिए आपके पास मोबाइल है ना, मैं कहना चाहूँगा मोबाइल से आप एग्जाम मत दीजिए, आप लैपटॉप की व्यवस्था कीजिए। आपके दोस्त में, आपके भाई बहन किसी के पास तो लैपटॉप होगा ना, सिर्फ 2 घंटे की बात रहेगी या 1 घंटे की, जो भी मतलब रहेगा, फाइनल ईयर वाले या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, तो 2 घंटे की बात रहेगी। और सभी स्टूडेंट कोशिश करें कि लैपटॉप से दें,
ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, काफी स्टूडेंट को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो यार, बेसिक सा प्रैक्टिस कर लो, माउस चलाया कैसे आता, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बता रहे हो, ये तो सब जानते हैं हार्ड मतलब लैपटॉप चलाना। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्हें माउस तक चलाना नहीं आता, कैसे उसमें क्या क्या करने हैं, हालांकि जानते हैं लैपटॉप है तो इसलिए उसे चलाना सीख लो, आगे बहुत काम देगा। दूसरा क्वेश्चन हार्ड था या इजी, तो क्वेश्चन हार्ड भी नहीं था इजी भी नहीं था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। और दूसरा यह है कि मैं बताना चाहता हूं कि काफी स्टूडेंट कह रहे थे जो आईडी पासवर्ड है उसे क्या हम डायरेक्ट ऑनलाइन एग्जाम फिल करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक साइट का लिंक दे दूंगा जिससे आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उस लिंक को आप रख लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाइए हमारे, वहां से उस लिंक को ले लीजिए और उसे रख लीजिए। बस उसी लिंक पे क्लिक करेंगे आप, vvox.com जो साइट है या .in करके है, उस पे आप चले जाएंगे और वहां पे अपना इनरोलमेंट नंबर जो कि आपका लॉगिन आईडी है उसको और पासवर्ड आपको मिला यूराइज से ही और आपकी ईमेल और मोबाइल पे भी है, उस पासवर्ड को फिल कीजिए और आगे बढ़िए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन एग्जाम आधा घंटा पहले नहीं स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन एग्जाम जैसे मेरा 11:30 बजे था तो 15 मिनट पहले, ठीक है, 11:15 पर स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो लिंक है वो ओपन होना चालू हुई, उसके बाद 15 मिनट तक वहाँ जो इतनी भी सूचनाएं होती हैं वो सब पूरा पढ़ने को मिला, उसमें हमने टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 50 क्वेश्चन, फिर जिस क्वेश्चन पे जाना चाहे वहाँ से जा सकते हैं, ये चीज़ हुई है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो कैसे बदल रहा है। देखिए अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उसमें इंटरप्ट हो जाता है तो आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और आप 5वें क्वेश्चन फिर क्लिक करके देखने लगे, तो जो पहले क्वेश्चन का आपने नहीं किया है या फिर मान लो दूसरे क्वेश्चन पे देखे लेकिन दूसरा नहीं किया, 5वें पे चले गए, तो फिर दूसरे पे आओगे ना, वो जो क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शंस है वह आपस में बदल जाएंगे, लेकिन फिर 5 पे जाकर के फिर 2 पे आओगे तो फिर वही वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मान लो किसी ने आपको बता दिया दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सही है, तो अगर दूसरी बार घूम कर आओगे वहां पे तो वह ऑप्शन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसलिए दूसरे का दूसरा सही नहीं, दूसरे का कौन सा उसमें सही है, जैसे मान लो कि आ गया कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का है, 2 बिट 4 बिट 8 बिट 16 बिट, ठीक है, तो एक बार 8 बिटों का होता है तो 8 बिट तो देख लिया, लेकिन नहीं टिक किए पीछे आओगे तो 8 बिट दूसरे नंबर पे था या तीसरे नंबर पे, वो पहले या इस तरीके से नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि पहला का दूसरा सही है दूसरे का पहला सही है, इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे मेरे फाइनली एक्सपीरियंस, नकल वगैरह जो करना चाहते हैं, चीटिंग वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं कहूँगा कि अगर पढ़े हो तो कोशिश जरूरी नहीं है कि आप नकल ही करो, हाँ यार नकल वो स्टूडेंट करें जो भाई बिल्कुल नहीं पढ़े, जिसका ऑनलाइन मतलब क्लास वगैरह भी नहीं चली तो क्या करेंगे यार, कैसे पास होंगे, यही सब तो करेंगे ना। बाकी इसकी और ज़्यादा ट्रिप्स आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सब कुछ बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, आप वो सभी वीडियो देखना ना भूलें। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे, बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी कुछ भी है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो, वहाँ पे आपको आंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, या फिर आंसर नहीं मिल पाते तो आपके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बना दी जाएंगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।